हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे झटपट बनने वाला नाश्ता जो आप आधे घंटे में बनाएंगे और महीने भर तक खाएंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। हमने यहाँ 1 किलो मैदा लिया है और उसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, और उसके बाद में हम डालेंगे इसमें नमक। मैं यहाँ पर 2 चम्मच नमक ले रही हूँ। आप नमक अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम अजवाइन लेंगे और उसको थोड़ा सा हाथों से मसलते हुए इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें मिलाना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। अभी मैं 2 चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूँ। अगर ज़रूरत होगी तो हम इसमें और भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। ऑयल ऐड करने के बाद में हमें हल्के हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे मिला देंगे। मिलाने के बाद देखिए, मैं इसको बांध के देख रही हूँ लेकिन ये अभी बन नहीं रहा है। इसका मतलब इस आटे में अभी हमें और भी ऑयल डालने की ज़रूरत है, तो हम इसमें अभी ऑयल और ऐड करूँगी। देखिए, 2 चम्मच मैंने और ऑयल इसके अंदर ऐड किया है। इस तरीके से आपको भी जैसे ज़रूरत लगे तो आप उस हिसाब से उसमें ऑयल ऐड कर लीजिए। आटा जब इस तरीके से आपको बनने लगेगा ये मैदा, देखिए, उसका मतलब इसमें अभी और ऑयल की ज़रूरत नहीं है। उसका थोड़ा थोड़ा पानी करके हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसका आटा लगा लेंगे। आटा हमको कड़क लगाना है थोड़ा। ये देखिए, इस तरीके से आटा हमारा बन के तैयार है। थोड़ा कड़क आटा हमारा है और इसके बाद में हम इसको ना ढक देंगे। ढक के रखने, इसको 10 से 15 मिनट के लिए हमें ढक के छोड़ देना है। उसके बाद हमें उस आटे से, ये देखिए इतनी बड़ी मैंने लोई बनाई है, आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से जोर लगाते हुए हमें बेलना है और इसकी थिकनेस हमें थोड़ी सी रखनी है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। उसके बाद इसको अच्छे से इस तरीके से हम शेप देते हुए काटेंगे। आप पहले, आप चाहे तो इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, नमक पारे की शेप हम इसको दे रहे हैं जो डायमंड शेप में है, और इसको हमें इस तरीके से कट कर लेना है। कट करने के बाद में हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, मैंने पहले थोड़े आटे की बना लिया है और उसके बाद में हम दोबारा उसी उतना ही अमाउंट लेके और हम लोई बनाएंगे, ताकि हम इसे दूसरी शेप या मठरी या सुहाली जिसको बोलते हैं उसकी शेप हम दे सकें। उसके लिए हमें इसको बेलने के बाद में इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इस पर अच्छे से फैला लेना है। फैलाने के बाद में हम इसे इस तरीके से रोल करते हुए फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, धीरे धीरे आप इसको ऐसा फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद में आप इसको ना नाइफ़ की मदद से इसको ऐसे कट कर दीजिए। ये जब आप स्टोर करेंगे ना तो आप बहुत दिनों तक इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको देखिए, हमें ऐसे लेना है और हाथों से प्रेशर देते हुए इसको ऐसे दबा देना। आप चाहे तो इसको बेलिंग के हाथ से बेल भी सकते हैं। मैं इसको हाथों से ये बना रही हूँ क्योंकि बहुत ही ईजिली बन जाती है और शेप भी इसमें अच्छी आती है। ये देखिए, इस तरीके से हम जो बचा हुआ आटा था उसकी हमने इस तरह से मठरी बना ली है। तो हमारे पास एक ही आटे से 2 शेप्स या 2 तरीके का नाश्ता बन के तैयार है। उसके लिए हम अब आगे क्या करेंगे, हम कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। आप फुल फ्लेम पे तेल गरम कर लीजिए, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और उसके बाद हम अच्छे से, देखिए जो हमने नमक पारे की शेप दे के कट करके रखा हुआ था नमक पारे, उसको हम तेल में डाल देंगे। तेल में डालने के बाद में जब वो देखिए अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे, तब तक आप इसको हिलाइए मत। ये सब फूल के ऊपर आ गए हैं और थोड़ा थोड़ा इनका कलर चेंज होने लगा है। हमें इनको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। तो अगर आप मीडियम फ्लेम पे रखेंगे तो थोड़े क्रिस्पी होंगे और अच्छे लगेंगे। फुल फ्लेम पे रखेंगे ना तो ये पकेंगे नहीं, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। देखिए, इस तरीके से हमें इनको निकाल लेना है। उसके बाद उसी तेल में हमें जो मटरी की शेप देख के हमने बेला हुआ है उसको हम इसमें डाल देंगे और उसे भी सेम प्रोसेस में हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। ये देखिए कितना खिला खिला कलर आ रहा है और टेस्ट में भी ना बहुत ही स्वादिष्ट है ये। तो हमारा झटपट ये नाश्ता बनके तैयार हो गया है। आप इसे आराम से स्टोर करिए और महीने भर तक यूज़ कीजिए। मेहमान आए तो आप झटपट निकाल के दीजिए, बनाने की कोई टेंशन ही नहीं है।